हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जी हाँ, साड़ी पहन के बैठी हुई हूँ। आई नो दिस कलर कॉम्बिनेशन इज़ नॉट गोइंग सो वेल, बट ये मैंने क्यों किया है वो मैं धीरे धीरे बाद में आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक साड़ी हॉल वीडियो, जो कि मैंने स्टाइल भी किया है, स्टाइल करके भी दिखाया है। एंड इसका शॉर्ट्स वीडियो मेरे बंगाली चैनल में बहुत सारा दूंगी मैं, इसके रिलेटेड आप लोगों को समझ में आएगा कैसे कैसे मैंने सब कुछ किया है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो आई वाज थिंकिंग न्यूली वेड लड़कियों के लिए कुछ साड़ी हॉल में करूं और कैसे उसको स्टाइल किया जाए एक ही टाइप से, ताकि उन लोगों को आसानी हो। फिर मैंने उसमें एक ब्लैक भी इंक्लूड किया है। किसी किसी के यहाँ पे रिचुअल है कि न्यूली मैरिड वुमेन को ब्लैक पहनाया नहीं जाता है एक साल तक, बट आजकल सब कुछ ही चलता है तो उस हिसाब से भी मैंने रखा है। एंड आप किसी भी एज में हो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप डेफिनेटली इस साड़ी को कैरी कर सकते हो। तो पहले जो साड़ी मैं पहन के बैठी हुई हूँ ना, वो मैं दिखाती हूँ। दिस इज़ अ ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन जो मेरे पास नहीं है, एंड मैंने थोड़ा सा इस बार ना प्रीमियम क्वालिटी की साड़ी लेने की कोशिश किया है। बिल्कुल लो रेंज का मैंने नहीं लिया है, थोड़ा सा 1000 या फिर 1500 टू 1600 तक मैंने बजट रखा है इस बार, ताकि क्वालिटी में है ना, क्वालिटी में आप लोगों को कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़े एंड आप लोगों को आसानी हो पहनने में, और यू विल थैंक मी लेटर। तो इसीलिए मैंने पहले जो साड़ी मैंने पहन लिया है वो साड़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ से ना बहुत ज़्यादा बाइक गाड़ी जाता है, तो बेयर विद दैट। तो मैंने इसको ऑल पिंक ब्लाउज के साथ पेयर किया है। इसको आप रेड या फिर ब्लैक कलर के ब्लाउज के साथ पेयर करो और भी अच्छा लगेगा। मैंने किया है कि एक ब्लाउज के साथ आप बहुत सारे साड़ी कैरी कर सकते हो। इसके साथ बहुत बुरा नहीं जा रहा है, ठीक जा रहा है, बट रेड के साथ आप पहनोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड ये मैंने सिल्क साड़ी इस बार लिया है। सभी जो साड़ी मैं दिखाने जा रही हूँ सभी साड़ी सिल्क के ऊपर बेस्ड है। साड़ी पहनने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लीज़ बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। एंड ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर बहुत ही गॉर्जियस है, बट क्या है ये ना बहुत ही फाइन क्वालिटी का नहीं है, ये सटल क्वालिटी का है। जो प्राइस रेंज के हिसाब से ये बहुत ही सटल क्वालिटी का है, बट ये बॉर्डर जितना गॉर्जियस दिख रहा है उतना ज़्यादा इसका क्वालिटी जो है बहुत अच्छा नहीं है। एंड फुल साड़ी ब्लैक में जाता है, एंड ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन आप कहीं पे पहन के भी जाओ बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इसको जस्ट नॉर्मली मैंने इस पूरे लुक को, सभी लुक को मैंने कंप्लीट किया है एक मंगलसूत्र के साथ। एंड मंगलसूत्र के साथ ये इयररिंग आया था, ये सिंपल सा इयररिंग। एंड थोड़ा मेकअप मैंने किया है, थोड़ा सा लिक्विड ब्लश, लिपस्टिक एंड काजल, लाइनर मैंने यूज़ नहीं किया है, मस्कारा एंड बिंदी एंड सिंदूर, एंड एक बैंगल्स मैंने डाल लिया है जो कि अच्छा जा रहा है, मतलब कड़ा जो है वो मैंने डाल लिया है। ओपन पल्लू भी रख सकते हो, आप प्लीट करके भी पहन सकते हो। जो सब गॉर्जियस बॉर्डर है ना, वो अगर प्लीट करके पहनते हो वो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड शेपवेयर के साथ ये सब साड़ी पहनते हो तो बहुत ही अच्छे से आपका फिगर जो है ना उभर के आता है। एंड अच्छे से थोड़ा सा प्लीट कीजिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप बालों को खुला भी रख सकते हो, टाई भी कर सकते हो, एंड जो आपकी मर्जी वो आप कर सकते हो। तो सिंपल मिनिमल मेकअप के साथ ये मैंने दिखाया आप लोगों को मेरा फर्स्ट साड़ी। तो दो नंबर साड़ी में आते हैं। तो दो नंबर साड़ी कुछ ऐसा साड़ी है इस पूरे साड़ी हॉल में जो सबसे आसान लगा मुझे प्लीट्स बनाने में, वो है ये साड़ी। दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक कलर, आई लव इट। पीकॉक का जो भी कलर है ना वो मुझे बहुत ही पसंद है, वो ग्रीन हो, ब्लू हो, मतलब ग्रीनिश ब्लू में बहुत सारा कलर पीकॉक में मिल जाएगा। तो वही थी कलर थीम को ध्यान में रखते हुए ये साड़ी है। ऑल्सो ये सब साड़ी मैंने लिया है अमेजन से, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये कुछ ऐसा साड़ी है, ये बहुत सॉफ्ट है गाइस, बहुत सॉफ्ट है। प्लीज़ मखमल की तरह आपका प्लीज आ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। जो लोग अनाड़ी हो ना साड़ी पहनने में, उन लोगों के लिए भी बहुत ही आसानी है। और ये है बॉर्डर, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि जरी का बॉर्डर है, बट फिर भी क्वालिटी है जो ना, क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। क्योंकि पीछे देखिए, पीछे इसका थोड़ा सा ऐसा मटेरियल दिया ना, थोड़ा सा वेलवेटी फिनिश दिया हुआ है, इसीलिए ये जो बॉर्डर है ना, ये अगर आप पल्लू में कर रहे हो ना तो बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है। एंड इसको भी मैंने प्लीट करके पहना है, क्योंकि इसका बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर बहुत ही चौड़ा है एंड
अच्छा लगता है प्लीट करके पहनने में। मैंने जो कैटलॉग देखा था वहां पे भी प्लीट करके पहना हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने प्लीट करके पहना। इसके साथ आप कोई भी कलर की ब्लाउज पहन सकते हो, येलो पहन सकते हो, इसके साथ मैंने पिंक कलर की ब्लाउज ही पहना है, पिंक कलर की ब्लाउज बहुत अच्छा जा रहा था इसके साथ, या फिर ब्लू कलर की ब्लाउज पहन सकते हो, ये कलर की ब्लाउज पहन सकते हो। बहुत ही वर्सेटाइल कलर की एक साड़ी है और पूरा साड़ी में ना आपको ये बूटा जैसा मिल जाएगा, ये जरी का बूटा है, देखिए ये पूरा साड़ी में आपको जरी का बूटा मिल जाएगा। एंड साड़ी जब आप बांध रहे हो ना तो सामने आपका कुछ ऐसा आएगा और इसमें आपको ऐसा कुछ ब्लाउज पीस मिल जाएगा। ब्लाउज पीस ब्लू कलर में है एंड यहाँ पे जो स्लीव्स में आएगा ये बॉर्डर, सभी साड़ी में, जो साड़ी में दिखाने जा रही हूँ सभी साड़ी में ब्लाउज पीस अवेलेबल है। इस साड़ी में भी था, इस साड़ी में मैं दिखाना भूल गई, बट इस साड़ी में भी है। एंड इसका जो पल्लू है ना, और इसका पल्लू कुछ ऐसा सिंपल सा है, ये आप कोई भी, अगर आप स्कूल टीचर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वहाँ पे भी आप कोई भी फ्रेशर हो, फ्रेशर्स प्रोग्राम हो, या फिर कल्चरल प्रोग्राम हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, आप ये आसान से पहन सकते हो। बहुत ही सटल सा एक साड़ी है जो पहनने के बाद ना और ज़्यादा सटल दिखता है एंड सब कुछ बहुत ही सॉफ्ट एक लुक देता है, जो मुझे ये साड़ी में बहुत ही अच्छा लगा। मैंने फिर से ये सभी साड़ी को सिर्फ एक ही लुक के साथ, एक ही ज्वेलरी के साथ पेयर किया है, ताकि आप लोगों को आसानी हो कि एक मिनिमम लुक के साथ आप बहुत सारा साड़ी कैरी कर सकते हो। एंड फुल साड़ी जो है, फुल साड़ी आपको ये कलर मिलेगा, थोड़ा सा डुअल डुअल कलर सा है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनिश कलर है। तो ये साड़ी है ना बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है एंड बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद, एंड क्वालिटी इज ऑसम। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना, आसपास के जो भी प्रोग्राम होते हैं, दिन के टाइम में जो प्रोग्राम होता है उसमें आप डेफिनेटली इसको कैरी कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो मैं साड़ी दिखाने जा रही हूँ, दिस इज येलो। तो न्यूली वेड लड़की के पास एक येलो कलर की साड़ी होना ही चाहिए, वो भी सिल्क के ऊपर, तो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और ये साड़ी का क्वालिटी जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है, और सब साड़ी मैं पहन के दिखा रही हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा साड़ी आप लोगों को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पसंद आया है, एंड मेरे ऊपर कौन सा साड़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं इस बार ना कन्फ्यूज हूँ कि कौन सा साड़ी मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे सब अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से स्टाइल किया है। तो ये साड़ी कुछ ऐसा है, येलो कलर में है एंड आप फील कर सकते हो कि ये साड़ी का क्वालिटी कितना अच्छा है। एंड यहाँ पे है ना थोड़ा सा सिल्वर वर्क दिया हुआ है, जैसा बिल्कुल जैसा आपके यहाँ पे कैमरा में दिखा रहा है बिल्कुल वैसा है। ये है बॉर्डर ये साड़ी का, एंड फुल साड़ी में ये आपको वर्क मिल जाएगा, ये फूल पत्ते का वर्क मिल जाएगा। एंड ये साड़ी में आपको बॉर्डर, मैंने इसको फोल्ड करके रखा है, एंड दिखने में भी आप लोगों को आसानी होगा कि कैसा है। एंड इसका भी ब्लाउज पीस जो है ना, इसका भी ब्लाउज पीस आपको सेम इस येलो कलर में मिल जाएगा, एंड स्लीव्स में सिर्फ इतना सा बॉर्डर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको स्टाइल किया है, अगेन दिस सेम ब्लाउज, एंड इसके ऊपर इसको आप बहुत तरीके से रेड के साथ पेयर कर सकते हो, येलो या फिर गोल्डन के साथ भी आप पेयर कर सकते हो। इस साड़ी को बहुत ही अच्छा लगेगा, इसके साथ आप गोल्ड ज्वेलरी भी पहन सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप कॉस्ट्यूम ज्वेलरी भी पहन सकते हो, या फिर सिर्फ एक मंगलसूत्र आप पहन के जाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा सिंदूर बिंदी एंड लिपस्टिक के साथ आप इसको अच्छे से कैरी कर पाओगे। बहुत ही सॉफ्ट साड़ी है एंड प्लीज बनाने में बहुत ही कंफर्टेबल है। एंड ये साड़ी का ब्लाउज पीस है ना, जो साड़ी का जो मटेरियल है उससे थोड़ा सा लोअर क्वालिटी में है इसका ब्लाउज पीस, सेम साड़ी में ही है, सेम कलर में ही है, बट ब्लाउज पीस का क्वालिटी 2% डिफरेंट है फ्रॉम द साड़ी का क्वालिटी, ठीक है, तो आप लोग समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ। बट साड़ी इज वेरी गॉर्जियस एंड प्लीज बनाने में ये भी बहुत ही अच्छा आता है, एंड सिल्क की साड़ी है ना, बहुत अच्छे से आप कैरी कर पाओगे। एंड सबसे बड़ी बात, जो भी साड़ी आज मैं दिखा रही हूँ सब लाइट वेट है, क्योंकि न्यूली वेट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये किया है, क्योंकि न्यूली वेट को क्या होता है ना, साड़ी पहनने की हैबिट नहीं होता है, तो अगर हेवी साड़ी पहनोगे तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने सिल्क की साड़ी लिया है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है एंड एट द सेम टाइम बहुत ही लाइट वेट है एंड रिजनेबल प्राइस में है। सो लास्ट साड़ी ऑफ दिस हॉल इज द पिंक वन। पिंक वन भी आपके वार्डरोब में होना ही चाहिए अगर आप न्यूली वेड हो, एंड दिस इज समथिंग वेरी गॉर्जियस। दिस इज नॉट वेरी पिंक, लाइक यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना बिल्कुल पिंक वैसा वाला पिंक नहीं है ये, ये पिंक के साथ ना थोड़ा सा ऑरेंजी काइंड मिक्स्ड है, जो मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि आपको अलग से दिखाई देगा, बट आप जब ये पहनोगे ना थोड़ा सा ऑरेंजी शेड देता है, थोड़ा सा पिंक शेड देता है। एंड ये साड़ी फुल पिंक कलर में है, एंड ये है इसका ब्लाउज पीस, फुल पिंक है, एंड इसका स्लीव्स जो है आपको ऐसे बॉर्डर्स में, आपको स्लीव्स में बॉर्डर मिल जाएगा।
इसका जो फुल साड़ी का काम है ना वो कुछ ऐसा है, मैं दिखाती हूँ, उल्टा हो गया जी हाँ। ये आपको कुछ ऐसा प्रिंट मिलेगा एंड यहाँ पे फ्लावर वर्क, छोटा छोटा जो बूटा का काम है वो मिलेगा, आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। एंड ये जरी का वर्क है, जरी का थ्रेड का वर्क है यहाँ पे। एंड इसका जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर दोनों टाइप में डिफरेंट है, एक में है नीचे में आपको थोड़ा सा हेवी बॉर्डर मिलेगा ये बड़ा सा, एंड ऊपर का जो बॉर्डर है ना वो आपको ऐसा वाला मिलेगा। एंड पल्लू जो है ना, इसका पल्लू बहुत ही गॉर्जियस है, वो है ये। अगेन दिस इज द वेरी लाइट वेट साड़ी एंड एट द सेम टाइम मैंने इसको पेयर किया है, सेम 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 सब कुछ सेम है, सिर्फ मैंने साड़ी चेंज किया है। एंड ये सब साड़ी अगर आप शेप वेयर के साथ पहनोगे ना तो बहुत ही अच्छा आएगा। क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, क्वालिटी में आपको बिल्कुल ध्यान देना नहीं पड़ेगा, आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। एंड इसका भी प्लीट्स बहुत ही अच्छे से आता है, बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर आपका ऐसे ही मिलेगा, तो हेवी बॉर्डर है। आप इसको ओपन पल्लू भी पहन सकते हो एंड सेम टाइम आप प्लीट्स करके भी पहन सकते हो। मैंने यहाँ पे ओपन पल्लू रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया है। न्यूली वेड जब ये सब पहन के बाहर जाएंगे ना तो ऑब्वियसली सबका आग उनके ऊपर होगा, क्योंकि कलर ही मैंने ऐसा कुछ चूज किया है, पैटर्न ऐसा चूज किया है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ ऐसा चूज किया है। और आप पहन के मेरे ऊपर देख ही सकते हो, मैं न्यूली वेड नहीं हूँ, 2 साल हो गया है, बट आई गेस मेरे ऊपर भी थोड़ा बहुत अच्छा तो लग रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। मैंने बहुत कोशिश किया कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे एंड थोड़ा सा मिनिमल सब कुछ के साथ, ताकि आप लोग इस लुक को क्रिएट कर पाओ, रिक्रिएट कर पाओ। अगर आप रिक्रिएट करते हो तो प्लीज इंस्टाग्राम में मुझे टैग करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिया हुआ है। एंड ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिन लोगों के साथ लगता है कि ये वीडियो शेयर करना चाहिए प्लीज शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ बहुत जल्दी, टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने के साथ खुशियां बांटते रहिए एंड खुद का ध्यान रखिए। बाय बाय।